चेहरे को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए शहनाज हुसैन के पांच घरेलू नुस्खे जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर स्किन केयर की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन का जिनके घरेलू नुस्खे यानी जो ब्यूटी टिप्स होते हैं वो कमाल के होते हैं जिन्हें अपना आप भी अपने चेहरे को चमकदार और स्वस्थ बना सकते हैं तो मेकअप एंड ब्यूटी डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार चलिए जानते हैं कि शहनाज हुसैन के वो पांच ब्यूटी टिप्स कौन कौन से हैं तो पहला ब्यूटी टिप्स है दही और हल्दी का फेस पैक अगर आपके चेहरे पर मुहासे और आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो ऐसी स्किन वाली महिलाएं चमकदार और निखरी त्वचा पाने के लिए दही और हल्दी का फेस पैक का इस्तेमाल कर सकती हैं इसके लिए आप दो चम्मच दही में एक चम्मच हल्दी पाउडर को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर ले यानी अच्छी तरह से मिला ले और अब इस पैक को फेस पर लगाए और सूख जाने पर ठंडे पानी से चेहरा धो ले यानी साफ़ कर ले चेहरा निखर जाएगा ऐसा सप्ताह में तीन से चार बार आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें सेकेंड नंबर में आता है दही और टमाटर का मास्क अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो चमकती त्वचा पाने के लिए आप दही और टमाटर से बना हुआ मास्क भी ट्राई कर सकती हैं ये ब्यूटी एक्सपर्ट जो शहनाज हुसैन है उनका ये बहुत ही अच्छा टिप्स है और इसके लिए आधा कप दही ले और उसमें थोड़ा सा टमाटर का रस डालें अगर चाहें तो आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकती हैं अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए फेस की मसाज करें फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा तो आप इसी फेस पैक को भी ज़रूर से ज़रूर लगाएँ ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है थर्ड नंबर पर आता है गिलसरीन और गुलाब जल गलसन जो होता है गिलसरीन और गुलाब जल भी स्किन केयर में अच्छी भूमिका निभाता है ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए 100 मिलीलीटर गुलाब जल में एक चम्मच गिलसरीन डालें अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर फेस पर कॉटन बॉल की मदद से लगाएं और इसे रात भर के लिए फेस पर लगाकर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से मुँह धो लें इससे आपकी जो स्किन है यानी जो चेहरा है सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखेगा और सभी आपसे पूछेंगे कि वह क्या लगाया है यानी इतना ग्लोइंग कैसे दिख रही हैं फोर्थ नंबर पर आता है नीम और चंदन का फेस मास्क अपने चेहरे को ग्लोइंग और पिंपल फ्री बनाने के लिए आप नीम और चंदन का मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं इसके लिए आप ताज़ा नीम की पत्तियों को पीस पेस्ट बना लें अब इसमें दो चम्मच चंदन पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस पेस्ट को चेहरे पर लगाए और इसे सूखने दें जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें ये फेस पैक जो होता है वो बहुत ही कमाल का होता है तो आप इसे भी अगर आपको पिम्पल्स है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं पाँचवा नंबर पर पा आता है नींबू और शहद का थेरेपी चमकदार और खिली खिली त्वचा पाने के लिए आप ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के नींबू और शहद के पुराने नुस्खे को, को फॉलो कर सकती हैं इसके लिए आप शहद और नींबू के रस को बराबर की मात्रा में लेकर मिलाएं और अच्छी तरह से मिला करके मिक्सचर तैयार कर लें फिर इसको फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाए और सूखने पर ठंडे पानी से धो लें तो आप भी शहनाज हुसैन के इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपने चेहरे को चमकदार और स्वस्थ बना सकती हैं क्योंकि ब्यूटी के क्षेत्र में शहनाज हुसैन का बहुत बड़ा नाम है और उनके घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं और वो नेचुरल भी होते हैं तो इससे कोई एलर्जी तो होता नहीं है लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से किसी चीज़ से अगर एलर्जी है तो आप उसे हटा सकते हैं या पैच टेस्ट करके प्रयोग कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो और टिप्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें मेरे चैनल कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें टेस्टी रेसिपी किचन टिप्स होम टिप्स हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज और ब्यूटी टिप्स के लिए भानुजा द होम मेकर भानुजा द होम मेकर के चैनल पर विजिट जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद मिलते हैं एक नए टिप्स और किचन टिप्स के साथ और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ तब तक, तक के लिए बाय बाय